हेलो गाइस, मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल हब स्टडी पॉइंट पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा बीजगणित पर जो है नेक्स्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पांच क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो इन पांच क्वेश्चन, ये बड़े क्वेश्चन जो है पाँचों के दमदार है, और पाँचों जो है SSC CGL के आए हुए क्वेश्चन हैं मेन्स के। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि वन अपॉन रूट फोर का क्यूब, यानी क्यूब रूट फोर प्लस क्यूब रूट टू अब प्लस वन इज इक्वल टू गिवन है ए क्यूब रूट फोर प्लस बी क्यूब रूट टू अब प्लस वन। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन फोर पे पावर क्या लिख सकते हैं, तो फोर को दो का स्क्वायर लिखा जा सकता है। फोर को दो का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और दो का स्क्वायर लिखेंगे तो दो का स्क्वायर, और अगर इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक बटे तीन, और दो घात पर घात होते हैं तो क्या होता है, गुणा। तो दो का गुणा एक बटे तीन में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो दो पे घात दो बटे तीन प्लस इधर आ जाएगा दो पे घात एक बटे तीन प्लस वन इज इक्वल टू सेम, इसको भी आप ऐसे ही लिख लें, ए ये लिखेंगे आप दो पर घात दो बटे तीन प्लस बी और दो पे घात यहाँ हो जाएगा एक बटे तीन प्लस वन। अब हम गाइस करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो दिया है ठीक है, हम इसी से कर लेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ सिंबल जो है प्लस के बजाय माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो अभी आप देखें मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो आप समझ जाएंगे क्यों मल्टीप्लाई हमने किया। तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, तो दो पे घात एक बटे तीन माइनस वन से अंश और हर में गुणा करने पर, तो अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, अंश में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी दो पर एक बटे तीन माइनस वन अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका, तो दो पर एक बटे तीन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है किसमें, इस पूरे ब्रैकेट में, यानी दो पर घात दो बटे तीन प्लस दो पे घात एक बटे तीन माइनस वन, सॉरी प्लस वन है, और इक्वल टू ए यहाँ पर सेम वही है ठीक है। यहाँ पे आ गया टू पे पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन, अब अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, अगर टू से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो देखें तो दो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो गुणा करते समय घात क्या होता है, जोड़ता है, तो एक बटे तीन और प्लस दो बटे तीन, तो एक बटे तीन प्लस दो बटे तीन जुड़ के कितना हो जाएंगे, तीन बटे तीन, और तीन से तीन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक, यानी दो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पे घात कितना आ जाएगा एक, क्लियर है। अब इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस दो पे घात एक बटे तीन, और एक बटे तीन मिल के हो जाएंगे दो बटे तीन, और इसमें वन में करेंगे तो ये हो जाएगा दो पर एक बटे तीन, चल माइनस वन से करेंगे तो माइनस दो पर एक से करेंगे तो बस वही हो जाएगा, बस केवल माइनस सिंबल बदल जाएगा, तो दो बटे तीन माइनस एक का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस दो पर एक बटे तीन, और ये हो जाएगा माइनस वन का प्लस वन में मल्टीप्लाई तो माइनस एक हो गया। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दो पर दो बटे तीन है, यहाँ भी दो पर दो बटे तीन है, एक प्लस में है एक माइनस है, तो कैंसिल हो गया। दो पर एक बटे तीन प्लस में है, दो पर एक बटे तीन माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ बचा केवल दो, दो पर घात एक मतलब दो, दो में से एक निकल गया तो कितना बचा, तो बटे में एक बचा। अब बटे में अगर एक बचेगा तो हम केवल ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे, तो दो पर एक बटे तीन ठीक है, तो क्या बचा, मैं यहाँ पर लिख सॉरी गाइस, तो ये हो गया दो पर एक बटे तीन माइनस वन बराबर के, बटे में एक हो गया तो बटे में एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर क्या था, बराबर ये जो लिखा है पूरा आप लिख डालें, ए
दो पे घात दो बटे तीन प्लस बी दो पे घात एक बटे तीन और प्लस वन। अब तुलना कर लें, तुलना करने पर तो तुलना जब हम करेंगे तो तुलना करेंगे तो देखो तो दो पे घात दो बटे तीन इस तरफ नहीं है, एक भी नहीं है, तो एक का मान क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि दो पर दो बटे तीन नहीं है। अच्छा दो पर एक बटे तीन है, यहाँ भी दो पर एक बटे तीन है, दो पर एक बटे तीन यहाँ भी, दो पर एक बटे तीन यहाँ भी, तो मल्टीप्लाई में एक लिख सकते हैं, तो बी के जगह क्या होगा एक, तो बी का मान एक। और यहाँ पर अचर राशि सी यानी यहाँ पर क्या है, सॉरी गाइज यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था, तो यहाँ पर सी था, तो सी का मान क्या आ गया गाइज, तो सी की इक्वल टू माइनस वन। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान जीरो, बी का मान एक और सी का मान माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल, क्या आ गया हमारा जीरो, तो जीरो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मतलब कि अच्छा क्वेश्चन था एसएससी में जो पूछा गया था मेंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि यदि एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और ए क्यूब रूट ए माइनस रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब देन फाइनली एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो यह बेहद आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू गिवेन है क्यूब रूट, क्या दिया है क्यूब रूट ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस इधर दिया है आपका ए माइन क्यूब रूट ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये गिवन है। आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स, तो एक्स का क्यूब पूछा है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर दें, इसका कर दें घन, तो घन करने पर तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा, और ए प्लस ये आप समझ लें ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखना, तो ये पूरा हमारा ए है ये पूरा हमारा बी है, आप ऐसे समझ लें, तो हम क्या लिखेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, यानी क्यूब रूट, और क्यूब रूट को क्या लिखते हैं, क्यूब रूट को हम जैसे अगर क्यूब रूट ए लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए पर घात एक बटे तीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्यूब रूट है तो इसको हम ब्रैकेट में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे एक बटे तीन, तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो फार्मूला तो सभी मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही फार्मूला आपको रिटर्न करना है, तो ए का क्यूब यानी ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब पर पावर क्या लिखेंगे वन बाई थ्री, और फिर इसका क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि ये तो ए था ये केवल क्या है ए, अब फार्मूले के अनुसार क्या लिखना है क्योंकि होल क्यूब है, तो फार्मूले के अनुसार क्या लिखना है ए क्यूब, यानी इसका क्या करना है होल क्यूब करना है। ठीक, ए क्यूब, ये ए था ए का हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो घात पर घात है तो गुणा होगा तो तीन से तीन क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी सेम प्रोसेस आपको करना है ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब का क्या लिखेंगे एक बटे तीन और उसका होल क्यूब, ये बी क्यूब हो गया, तो तीन से तीन यहाँ भी कैंसिल आउट, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए, ए का मतलब यही लिखेंगे यानी क्यूब रूट ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, थोड़ा टिपिकल ज़रूर है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम टेकिंग ज़रूर ये क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ये प्रैक्टिस आप इसी तरह से आप करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ये हो गया थ्री ए इंटू बी, क्लियर है गाइस ए इंटू बी, अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, तो ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब यही इसको आपको लिखना है ए प्लस बी यानी क्यूब रूट
एक बार अभी मैं आपको फिर समझाऊंगा, अगर आपको समस्या आ रही है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब रूट ए माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखें, ये हमारा पूरा ए था, या समझ लीजिए यक्स था, ये वाई था, ये पूरा, तो ये यक्स का होल क्यूब हो गया, यानी ए क्यूब यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, समझ पाइए, ठीक। अब इसको देखें, तो ये हो गया, आप इधर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखना है, तो एक्स क्यूब इजक्ल टू, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ए प्लस, अब ये थ्री से थ्री जो है ये आपका कैंसिल हो गया, थ्री से थ्री कट गया, तो क्या बचा, ए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ बचा ए माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस ए यहाँ बी क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है, बी क्यूब, ठीक है। तो गाइज अब ये एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया, अब यहाँ देखें प्लस थ्री, अब अगर इसको देखें तो ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस ये बी है, तो ए प्लस बी, और यहाँ ए माइनस बी, मतलब कि एक ब्रैकेट में प्लस बी का काम कर रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट में पूरे क्यूब रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी रूट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। तो ये क्यूब रूट था, क्यूब रूट लगा दिया क्योंकि पूरा होल क्यूब रूट है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई देखो भाई आपको आता रहे, मल्टीप्लाई करना आपको आसानी से आता रहे। अब इस पूरे की वैल्यू देखें, इस पूरे की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन था, एक्स की वैल्यू यही तो पूरा दिया हुआ है, तो ये वही तो पूरा लिखा है, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ए और ए मिलके क्या बन गया, टू ए, ठीक है। यहाँ एक्स था प्लस थ्री, अब अगर इसको ओपन करें तो ये देखिए, हम ओपन करते हैं तो ये क्यूब रूट ए स्क्वायर, आप देखो यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ही है, तो रूट स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इनटू एक्स, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 3, अब ये हो गया आपका क्यूब रूट, यानी हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस बी क्यूब पर घात 1/3 इंटू एक्स, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया क्योंकि ये बचा था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, तो एक्स क्यूब इजक्ल टू 2a, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया क्योंकि क्यूब क्यूब से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल माइनस बी बचा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3bx। अब देखो वैल्यू जो पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस 3bx, देखो तो अगर हम इसको इधर पंचांतर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 3bx इक्वल टू क्या आ गया, 2a। तो क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था, तो बहुत दमदार क्वेश्चन था, टाइम टेकन क्वेश्चन था, तो ये हो गया हमारा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यह बड़ा ही CGL का मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का। चलें क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड चलते हैं, यदि ए स्क्वायर इजक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इजक्वल टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इजक्वल टू ए प्लस बी गिवेन है, देन फाइंड द वैल्यू 1/1 + a, तो ये दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ए स्क्वायर इजक्वल टू क्या दिया है, बी प्लस सी, बी स्क्वायर इजक्वल टू दिया है सी प्लस ए,
और सी स्क्वायर दिया है ए प्लस बी। करना क्या है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए जोड़ लेंगे, यहाँ ए जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इधर भी ए जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट साइड भी ए जोड़ेंगे, राइट साइड भी इसमें ए ऐड कर लेंगे। यहाँ पर जो है प्लस बी जोड़ेंगे, बी एब्सेंट है तो बी जोड़ेंगे और इधर भी बी जोड़ देंगे। यहाँ पे सी जोड़ेंगे और लेफ्ट में भी सी हम ऐड कर लेंगे। तो देखें इस तरह से हमारा ये क्या बन के आता है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर गाइस, यहाँ कॉमन ए ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको बटे में कर ले, यहाँ भी वन कर ले, यहाँ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ले आए इधर, इसको ले आए इधर, तो ए अपॉन ये हो गया ए प्लस वन ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने किया क्या, बटे में दोनों के वन कर दिया, इसको हम यहाँ ले आए और ए प्लस वन वाले को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या बन गया, वन अपॉन ए प्लस वन, ठीक है, ए यहीं रहने दिया, ठीक है, तो ए यहीं है, केवल ये हम अपॉन में लाया, ये इधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा। क्लियर है गाइस, ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करना है, क्या करना है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बी कॉमन ले लिया तो बी प्लस वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी सेम सिचुएशन वही, तो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन। उसी तरह से यहाँ भी सेम हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन। बात आप मेरी समझ पाए, तो इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब तीनों को क्या करना है, वन अपॉन ए प्लस वन, वन अपॉन बी प्लस वन, वन अपॉन सी प्लस वन, हम देख रहे हैं तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों का हर सेम है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, दोनों ऊपर नीचे वही है, कट के क्या आ गया, वन वन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। तो सीजीएल जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एसएससी इस बार जो है इतने आसान क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं कि आप जो है आसानी से केवल फार्मूला लगाएं और आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग भी चलाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इक्वल टू जीरो दिया है, देन फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये तो आप कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड, तो वाई जेड कैंसिल एक्स हो गया, तो एक्स का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस इधर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस इधर आ जाएगा आपका जेड क्यूब। तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। और हम जानते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू की जीरो दिया है, तो हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, थ्री एक्स वाई जेड, यानी इसकी वैल्यू थ्री एक्स वाई जेड के इक्वल होते हैं। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं थ्री एक्स वाई जेड, क्योंकि इसका मान इसके इक्वल होता है, कब, जब इसका मान जीरो दिया हो तब। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो फाइव नंबर दिया है कि यदि a प्लस बी, यहाँ भी सेम वही चीज़, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू गिवन है जीरो, तो a वन अपॉन a प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इस तरह से गिवन है, तो दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो
फाइंड करना है इसका मान, किसका मान, तो वन अपॉन सी प्लस ए, क्रम से लिखते हैं सी प्लस ए, सी के बाद ए, ए प्लस बी, ठीक है, चाहे ए प्लस सी लिखे चाहे सी प्लस ए लिखे, मैं क्रम से लिख रहा हूँ, प्लस वन अपॉन, तो यहाँ पे दिया है सी प्लस ए और बी प्लस सी प्लस वन अपॉन, यहाँ दिया है ए प्लस बी और बी प्लस सी। अगर हम देखें तो तीनों का एलसीएम क्या बनता है, तो तीनों का एलसीएम बनता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में बी प्लस सी, तीसरे में सी प्लस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हो गया, तो बचा क्या, ए प्लस बी से ए प्लस बी, पहले वाले में ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो यहाँ बचा बी प्लस सी, प्लस सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस से बी प्लस सी, तो क्या बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी, बी प्लस सी से बी प्लस सी, तो क्या बचा सी प्लस ए। अभी हम यहाँ देखें ए दो बार है, बी भी दो बार है और सी भी दो बार है, तो जुड़ जाएगा, तो टू ए प्लस बी प्लस सी हम ऐसा लिख सकते हैं, और बटे में ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, जो हमने एलसीएम लिया था। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने की मैंने, जीरो, ये हो गया दो गुणे जीरो बटे कुछ भी हो, आंसर क्या आना है जीरो, तो जीरो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये गाइस जो है एसएससी सीजीएल मेंस के 5 क्वेश्चन है, जो बहुत दमदार क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को और भी मैं लेके आऊँगा, और इस पर आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का इस बार का जो मेंस का पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा, इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।